तो उसका कॉल आ चुका था पुलिस स्टेशन से, उसे हमें रिहा करा दिया। अब उसे टैक्सी भेजिए कि वो हमें जो है उसकी लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ रहता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहीं चल रहे, टैक्सी में बैठ जाते हैं। आ चलिए, आ चुके हैं उसकी लोकेशन पे। लगता है यहीं रहता है। सुबह हो गई, सुबह तक वेट करा दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल मेरी उससे बात हो चुकी है, वो कह रहा है कि तुम्हें गूगल पर में जाना है, तुम्हें एक बंदे को टपका देना है जो काफ़ी टाइम उसके जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में दिक्कत डालता है, तुम जितनी जल्दी हो सके उसे जो है टपका दो। तो हम वही जा रहे हैं उसके जो है पास। तो पहले हम जो है कपड़े बदलने का कह दिया कि तुम वॉलपेपर के कपड़े पहन जाना, तो हम सीधे चलते हो। ये ठोक के आराम से चला धीरे, मैं ही फूल जा रहा हूँ। तो पुलिस की गाड़ी, पुलिस ने देखा, पुलिस से भी थोड़ा डर रहा है कि वार्निंग तो हमें मिली हुई है, तो हम जितना हो सके पुलिस से दूर ही रहेंगे। तो एक गाड़ी ढूंढ लेते हैं, यहाँ की गाड़ी ही नहीं है। ये रही गाड़ी पुलिस के साथ, थोड़ा ये वाली गाड़ी उठा लेते हैं। ओ, पुलिस के सामने, ये हर बार की दिक्कत है। पुलिस से थोड़ा भाग लेते हैं जल्दी से, अभी लोकेशन पे चले जाते इधर से, यहाँ से। तो मैं एक बहुत सारे कैमरे देख लेता कि अंदर जाके किस जगह पे हो, इसी जगह पे। तो मैं छुप के देख रहा हूँ कि इधर से, इधर तो गन्स भी पड़ी हुई। चलो ये गन्स उठा लेते हैं, जिसकी भी हो, लगता है वो रखना भूल गया होगा अंदर लेके भागे। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम के जाएंगे, किसी को शक ना हो। शक तो कभी खिला किसी को होंगे। तो मैंने देखा था कि यहाँ एक सीक्रेट जगह है जहाँ से इजीली अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पुल है, उससे कूद के जाना है। तो हथियार लेके अंदर चले जाएंगे सीधे सीधे चलते चलते, तो सीधा अंदर ही चले जाओ। तो यहीं सर कूद के इधर से लग जाएगा, ये कूद नहीं, कूद नहीं, कूद रहा नहीं, कूद। दूसरे साइड से ट्राई करते हैं, जल्दी से ऊपर चलते हैं। यहाँ से थोड़ा लॉन्ग लेंगे, ये चढ़ गया, वो बंदे की खैर नहीं, सीधे शॉट गन से उड़ से उड़ा देंगे, सीधे उसके पास ही चलते हैं। गोल्फ की गाड़ी ले ली चुपचाप, अब चलते उसके पास धीरे धीरे, यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, किसी को शक ना हो। और मैंने हथियार अंदर रखे थे, अब हथियार निकाल लेते, कोई आसपास तो है नहीं, तो ये अकेला है और इसके कुछ गार्ड्स। तो पहले इससे ऊपर जाते हैं और ये चल निकल निकल, देसी कट्टा नहीं है, देसी ठचका है, इसे पिस्टल से मारना पड़ेगा। गोलियाँ खत्म, मार दिया। पहले मैं इन सब इन गार्ड्स को भी मार देता हूँ, कि किसी को शक हो भी तो सबूत ना रहे, कुछ जिंदा रहा तो खास पुलिस पीछे लग जाती है, जैसे कि सबके सब टपक गए कि नहीं टपके गए। ये रह गया, ये रह गया, इसको पहले मार देते। अब ये लास्ट बंदा है, हमने सारे सबूत मिटा दिए, इससे पहले कोई पुलिस आ के कोई देख ले, इससे पहले हम चुपचाप निकल जाते हैं वो जहाँ से आए थे, धीरे में रह के जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लगता है किसी को शॉक तो नहीं हुआ, लेकिन उससे तो हम जितना हो सके जल्दी जिस हफ्ते से ऐसे निकल जाते कि कैमरे में जो रिकॉर्डिंग ना ही हो तो अच्छा है, या कोई कैमरे तो मिल गए। ये ऐसे रास्तों से निकल लेते, गाड़ी को यहीं फेंक देते, ये थोड़ा आगे लगे रोड पे खड़ा कर देते, ये रख देते गली से। ऐसा लगेगा कि गाड़ी ऐसी पड़ी होगी, अब यहाँ से निकल चुके, अपनी गाड़ी ले लेते। उसे लग रहा होगा कि कहीं ये बंदा घूमने गया होगा वगैरह, तो नहीं आया कैमरे, तो यहाँ से तुरंत निकल जाते कि पुलिस आए। बाद में वो सब रिकॉर्डिंग जो है
बिल्डर रिलीज करा देगा उसकी पहुंच यहाँ तक। जो गांव बचेगा वो तो उन्हें निपटा लेगा, उसके टेंशन नहीं है। तो आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और ऑटो प्ले पर तो फॉलो ज़रूर कर लेना, और GTA Vice City की फ्रेंचाइज मैं जारी रखूँगा तब तक।